हाय पूजा, कैसी है? कुछ नहीं यार, कल बोर्ड एग्जाम्स है ना, तो उसी की तैयारी कर रही थी यार। एग्जाम्स की तो मत पूछ, एक महीने पहले से सारा रिवीजन हो चुका है मेरा। हाँ, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, पेपर, ऑल इन वन, सब चार चार पांच पांच बार पढ़ चुकी हूँ मैं। और ये डेट शीट कितनी गंदी बनाई है बोर्ड वालों ने, हर पेपरों के बीच में चार चार पांच पांच दिन की छुट्टी, एक ही दिन में सारे पेपर ले लेते। हाँ, नहीं तो टाइम वेस्ट बच्चों का। मैंने तो कॉलेज की पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी, आधा सिलेबस उसका भी कंप्लीट कर दिया मैंने। अच्छा सुनो, शाम को शॉपिंग करने चलेगी क्या? अरे यार, कल बोर्ड एग्जाम से ना उसकी शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना यार हमें। यार मुझे क्लिप्स लानी है, हेयर बैंड लाना है, पेंसिल बॉक्स लाना है, पेन के बॉक्स लाने हैं। हाँ मैं तेको मिस कॉल कर दूंगी, ठीक है ना? ओके ओके ओके। यहाँ साले पहले पेपर की पहली बुक नहीं मिली, यहाँ आज की टू चल रही है। लेकिन ये वाला सीन लगता बढ़िया है। हाँ भास्कर, अब यार पेपर की तैयारी तो तब करूंगा जब मैं हिंदी की बुक मिलेगी। हिंदी की बुक ही नहीं मिली है पूरे घर में। अरे साले बोर्ड वाले तो इतने हरामी, हमारे 12th क्लास के पेपरों में चार चार पांच पांच दिन की छुट्टी दे रखी है। अबे कम से कम 4 महीने की छुट्टी देनी चाहिए थी इन्हें हर पेपरों में। बस यार मूड खराब हो रहा है, क्या बताऊं मैं। हाँ, ओए मिल गई। अब यार तू फोन रख, यार मेरे को पढ़ाई करनी है। नहीं यार, इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ पढ़ाई में, 12th पास करनी है अच्छे से, नंबरों से। फोन रख, तू फोन रख। तेरी प्रिया से बात हो रही है? भाई नंबर दे दे यार। अरे नहीं, पढ़ लूंगा यार मैं, आज का पूरे दिन तो पढ़ाई है। भाई दे दे यार नंबर प्लीज। हाँ लिखवा लिखवा लिखवा, 9210। अच्छा 17। अच्छा 2 3। माँ मैं लेट हो रही हूँ। अरे दही चीनी तो खा के जा। थोड़ा सा मम्मा। ओके मम्मा मैं जा रही हूँ। ओके बाय। अरे पेपर अच्छा करके आना। हर बार पस्ती आती है, देखो इतना गंदा करके गई ये कमरा। और 9 बजे का पेपर, 7:15 हो गए हैं यार। पापा 9 बजे पेपर है, 8:30 बजे उठाना। मजाक कर रहा हूँ। आज तेरा पेपर था कम से कम, आज तो नहा लेता कंजर। अरे मम्मी यार परसों ही तो नहाया था, और वैसे भी जुकाम हो रहा है मेरे को। अच्छा सुन, पेपर आए, पेपर को पहले ध्यान से पढ़ना है, और पेपर के ऊपर एक छोटा सा ओम भी बना दियो। यार मम्मी बोर्ड के पेपर देने जा रहा हूँ, ओम थोड़ी ना बनाऊंगा। चेक करने वाला खुश हो जाएगा, 1-2 नंबर ज्यादा ही दे देगा। और अगर चेक करने वाला मोमडन निकला तो साइड में एक चांद भी बना दियो। यार मम्मी अगर तुम ऐसी फालतू की बात करोगी ना, तो मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है ना वो भी भूल जाऊंगा। अरे ले, पेपर देने जा रहा है, दही चीनी खा। ये लाए ना बढ़िया चीज, टेस्ट करना होता है बस। चलो मम्मी जा रहा हूँ। अच्छा कुछ भूल तो नहीं रहा? हाँ एक बार चेक कर ले, कुछ भूल तो नहीं रहा। अरे हाँ कुछ नहीं भूल रहा। बाय बाय। हाँ बाय 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 बाय। अच्छा कर आइयो पेपर, ओम भी बना दियो। देख लो भाई कैसे करना है। ध्रुव को आने दो, उससे पूछ कर बताता हूँ मैं इसकी। चंद्रगुप्त का जन्म 1971। ओ ध्रुव इधर आ। तर में अरे भास्कर क्या हाल है भाई? अबे वो सब छोड़िए, बता केदारनाथ चलना है क्या भैंस की? हाँ चलूंगा। कब चलना है? आज अभी अभी। हाँ और ये बोर्ड की पेपर कौन तेरे बहू का बाप देगा? अबे बोर्ड की पेपर जरूरी होते हैं क्या भैंस की? अबे तू थोड़ा ठीक है, पेपर खत्म हो जाए फिर चलेंगे भैंस की। ठीक है
पापा तेरे में थोड़ी सी भी शर्म है? तेरे पापा इतनी पैसे लगाते तेरी पढ़ाई में, कम से कम थोड़ा तो सीरियस हो जा। तू है सीरियस? तुझसे तो ज्यादा ही हूँ, मुझे पता मेरे मम्मी पापा मुझे कैसे पढ़ाते हैं। एडमिट कार्ड। तुझे क्या हुआ बैस की? एडमिट कार्ड लाना भूल गया। अब तो उसका पेपर शुरू भी हो गया होगा। हो गया होगा। अबे तेरा तो आज पेपर था ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो क्या है कि वो घर पे एडमिट कार्ड भूल गया। प्रिया जी स्केल है आपके पास? नहीं मेरे पास नहीं है। प्रिया फोन नंबर दे दे, फोन नंबर, बात करेंगे बात। बोर्ड में बैठा है, थप्पड़ भी बैठ जाएगा। अभी पेपर कैंसिल करके भगा दूंगा, जितनी हेगड़ी है सब निकल जाएगी। पेपर कर चुपचाप। देखो भाई अपना नाम, रोल नंबर और क्वेश्चन पेपर नंबर सब एकदम करेक्ट फिल करेंगे। ये कौन बच्चा एब्सेंट है भाई? मैं कमिन सर। अबे इतना लेट कैसे है भाई? सर वो मैं घर पे एडमिट कार्ड भूल गया था। ए अंदर आ। रोल नंबर 216। बेटा बोर्ड है, ये ट्यूसडे पेपर नहीं है, अभी पेपर कैंसिल करके भगा दूंगा बाहर। ओ फक पेन। सर एक्स्ट्रा पेन है। तेरा कहाँ है? ए कीप साइलेंस। अब तू अपना एडमिट कार्ड लाना भूल गया, तू पेन लाना भूल गया, तू पेपर भी भूल जाता आज का नहीं है मेरे पे। भास्कर पेन है, पेन है। साला ये तो मुझसे ज्यादा सीरियस था भैंस की। थैंक यू यार। ये क्या? यही है मेरे पास। अबे ए! सर अब क्या घर पे दिमाग भूल गया? सर इस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन गलत दे रखा है। सर ये वाला। सर यहाँ लिखा है कि भवानी मिश्र के बारे में विस्तार से लिखिए। तो सर अपनी बुक में भवानी वाला कोई चैप्टर ही नहीं है, अपनी बुक में तो चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया था। बच्चों ये भवानी वाला चैप्टर तुम्हारी बुक में नहीं है? सर भवानी प्रसाद मिश्र हमारी सेकंड बुक का पहला ही चैप्टर है। अपनी दूसरी बुक भी है? चुपचाप पेपर कर, अब तेरी आवाज ना आ जाए। मिस कॉल करूंगा, मिस कॉल, ठीक है? इन पेपर बनाने वालों की मां का हैंडपंप तोड़ूं? और द्रो पेपर कैसा गया भाई आज की? हाँ साले तेरा पेपर बहुत अच्छा गया ना, इसलिए पूछ रहा है। अबे नहीं यार इतना भी अच्छा नहीं गया यार मेरा पेपर बैस की। अबे चल चल पागल किसी और को बनाइयो, देख रहा था धड़ाधड़ लिखे जा रहा था। अबे नहीं यार वो तो किस्मत मेरी थोड़ी अच्छी थी कि मैंने सेकंड बुक पढ़ी थी और 90% उसी में से आया बैस की। यहाँ सारी पहली बुक पढ़ी, एक क्वेश्चन नहीं आया उसमें से। अगर फर्स्ट बुक भी पढ़ी होती ना तो भी पास लायक नंबर आ जाते। चित्रगुप्त मौर्य हमारी 11th क्लास की बुक का चैप्टर था। अबे तू 11th की बुक पढ़े है बैस की? साला मैं तभी कहूँ सारे चैप्टर पढ़े पढ़े से क्यों लग रहे हैं। यार मुझे तुम सब की और स्कूल की बहुत याद आएगी। हम सब लोग साथ में बिंगो जीरो कट्टस खेलते थे, अब कभी नहीं खेल पाएंगे।
गाइस प्लीज सब कांटेक्ट में रहना, कोई एक दूसरे को भूल मत जाना। साइंस वाली टीचर से मिलने चलते मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। तुम लोग मिलने आयो? मिल लिया, चलो। ओ चचा, तुझसे मिलने नहीं आए, तुझे मिलाने आए हैं। साले चश्मिस, तेरे क्लास के अंदर बहुत हाथ चलते हैं ना बैस की। ए, साले मेरे सामने मेरे भाइयों को धमका रहा है, इसकी माँ का खोलू नाड़ा, मार साले को। इसकी बैस। अरे आ!